यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ घी। और अब जो है ना वो मैं दूध गांव से लेके नहीं आती हूँ, हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं लेबर वो उनके गांव में ही डेयरी है, तो वहीं से वो लेके आते हैं प्योर दूध लेके आते हैं। एक बूंद भी उसे पानी नहीं रहता है, क्योंकि डेयरी में ना पूरे गाँव का उससे दूध इकट्ठा होके वहाँ पे जमा होता है, तो वो लोग मशीन से ही मतलब क्वालिटी चेक करके लेते हैं, तो वही वाला दूध यहाँ पे वो लेके आता है पर डे। तो बहुत ही अच्छा उससे छाली भी निकलता है एंड दूध भी बहुत टेस्टी होता है। साइड बन रहा है घी एंड इस साइड मैंने चढ़ा दी है खीर, क्योंकि बहुत दिनों से मन था कि खीर बनाऊँ मैं एंड खाऊँ। तो खीर है एंड घर में कोई सब्जी भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू का पराठा ही बना देती हूँ उसके साथ खीर। एंड यहाँ पे हस्बैंड जी रू आफ्सा बना रहे थे, जो भी हमारे घर में वर्कर अभी वर्क कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ हम लोग उनको देते ही रहते हैं। तो रू आफ्सा मैं तो नहीं पीती हूँ, हस्बैंड जी पीते हैं एंड वर्कर सब भी पी लेते हैं, तो वही हस्बैंड जी उनको सर्व कर रहे थे। एंड यहाँ पे आलू का पराठा टेस्टी गजब टेस्टी बना था, वो मेरा रेडी हो चुका है। एंड खीर भी आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी से कितनी गाढ़ी है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ काजू दिया है और कुछ भी यहाँ नहीं। पे हस्बैंड जी पूरा एक छोला भर के लाए हैं वेजीज, तो उसमें सबसे पहले ये ग्रीन साग लेके आ गए हैं। साग मैं खाती नहीं हूँ, पर ये ले आए हैं तो मुझे बनाना पड़ेगा एंड देन मुझे खाना भी पड़ेगी। उसके साथ यहाँ पे लाए हैं पका हुआ केला, क्योंकि मेरा फेवरेट है, फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है और केला तो इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो उनको पता था कि मुझे मन कर रहा है खाने का केला, डेट्स वाई। एंड यहाँ पर लेके आए हैं कटहल कोफ्ता के लिए, इनको कोफ्ता का स्वाद जो है ना जुबान पे एकदम चढ़ चुका है, तो कटहल लाए हैं फॉर कोफ्ता। उसके बाद मतलब ये सब अपने पसंद की सब्जी लेके आए, नहीं कटहल और बैंगन मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इसका जो है वो डिश वो अपनी पसंद से बनवाएंगे मुझे, मुझसे मतलब कटहल का कोफ्ता के लिए। एंड ये भट्टा बैंगन लेके आए हैं भाजी के लिए, जो कि मैंने आपको आपके साथ मतलब रेसिपी शेयर की है बहुत बार, गोल गोल कट करके जो हल्दी नमक लगा करके इसको जो तलते हैं वो। और कोफ्ता की रेसिपी मैं इस बार फॉर श्योर शेयर करने वाली हूँ। और आलू लेके आए हैं और दो लेमन लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में खाली पेट में ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं लेमन के साथ। और ये लाए हैं कच्चा केला 1 किलो लेके आ गए हैं, ये भी कोफ्ता के लिए। बताइए इतना ना कोफ्ता इनके चलते मुझे बनाना पड़ेगा कि मैं बोर हो जाने वाली हूँ, तो केला का कोफ्ता मैं कल बनाऊँगी, तो रेसिपीज भी मैं शूट करूँगी। उसके साथ इसमें लाए हैं कदीमा, लकली यहाँ पे कटा हुआ कदीमा हमें मिल गया। और इसमें ग्रीन चिल्ली लेके आए हैं। और ये आलू तो खैर मैंने आपको दिखाई दिया, ओ बाबा रे कितना बड़ा आलू है। तो चलिए फटाफट करते हैं डिनर की तैयारी। और यहाँ बोरिंग का काम अंतिम चरण पर है, यहाँ पे कंप्रेसर हो रहा है। रात के 11 बजे मतलब 9 बजे चालू हुआ था, 11 बजे तक चला, और हर घंटे का 2000 चार्ज रहता है, यानी कि 3 घंटा चला यानी 6000। तो मैं बता रही थी ना पूजा, तो फर्स्ट डे तो हस्बैंड जी ने पूजा किया था, फिर हमारा बोर्डिंग बीच में लसक गया। उसके बाद भगवान जी पर ही भरोसा था, रात भर यही सोचते रहे भगवान जी किसी तरह बोर्डिंग हो जाए अच्छे से। तो अगले दिन सुबह में मैंने पूजा किया, और उस दिन जब मैं स्कूल से आई तो पता चला बिना किसी झंझट के बोर्डिंग का जो पाइप है वो अंदर जा चुका है। तो मुझे इतनी खुशी हुई, भगवान जी ने मेरी विनती सुन ली। वाह, अभी देखिए कंप्रेसर का पानी कितना ऊँचा जाएगा, गजब पूछा गया था। मतलब 3 घंटा चला था कि जब तक पानी जो है वो क्लियर ना हो जाए, अभी मिट्टी वाला पानी दिख रहा होगा, जब तक ये साफ़ नहीं होता तब तक चलता है। तो उसके नेक्स्ट डे हस्बैंड जी ने मुझे फ़ोन किया था कि स्कूल से आते टाइम, आने के बाद मतलब आते टाइम, घर आते टाइम मिठाई ले लेना, क्योंकि वर्कर सबको बांटेंगे, अगल बगल वाले को बांटेंगे बोर्डिंग अच्छे से हो जाने की खुशी में। तो यहाँ पर मैं लड्डू लेके आई थी, लड्डू बड़ा टेस्टी होता है यहाँ का। एंड अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए ये वाली मिठाई 2 पीस, क्योंकि ये 13 रुपया पीस मिठाई देता है एंड बहुत हैवी होता है, तो वो 2 ली थी मैं एंड नीचे वाला 2 डब्बा। देख सकते हो इतना केला हस्बैंड जी लेकर के आए हैं। तो फिलहाल तो मैं ये 5 का बना रही हूँ, और इसके साथ मैं पोटैटो भी ऐड करूँगी, तो आई थिंक ये 5 सफिशियंट होगा। हाँ सफिशियंट हो जाएगा, और इतना सा बाद में देखेंगे भुजिया वगैरह। तो आई विल कीप इट असाइड एंड अब इसको छिलते हैं। आलू मैं 3 दूंगी मीडियम साइज के, और फिर आलू और केला को 3 विसल आने तक कुकर में उबालेंगे। तो सबसे पहले 2 अनियन को लेना है एंड उसको उसका मतलब पेस्ट बना। यहाँ पे मैंने टोमेटो एंड अनियन का पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है,
और उसी मिक्सिंग जार में मैं यहाँ पे मसाले पीसने वाली हूँ, खड़े मसाले जिसमें कि जीरा है, लाल मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, मरीच है, लौंग है एंड दालचीनी है, इतना सब कुछ है। तो इसको कर लेते हैं ग्राइंड। एंड यहाँ पर जो है मैंने 4 से 5 सीटी लगाया था कुकर के हिसाब से है। एंड ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको ऐसे पीस पीस में कट कर देते हैं और फिर ये जब ठंडाएगा तो फिर मैं आगे की प्रोसेस आप लोग को बताऊँगी। इस तरह से कूलर के सामने यहाँ पे मैं ये बर्तन रख दी हूँ ताकि अच्छे से ठंडा जाए। तो इसको मैंने अच्छे से ठंडा होने दे दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है बेसन, हल्दी, नमक और जीरा पाउडर। आप चाहो तो धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हो, रेड जो रेड चिल्ली पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हो। अब बस इसको अच्छे से गूंद लेना है एंड फाइन जो ये जो भी लम्स हैं इसको अच्छे से मैश कर लेना है, इसका डो टाइप बना लेना है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। यहाँ पे फ्राइड कोफ्ते हैं, ये जले नहीं है, ये कुरकुरे हो गए हैं। इसको आप खाली भी खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड लास्ट स्लॉट अभी फ्राई हो रहा है तो इसी कढ़ाई में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे, डेट्स वाई ये कढ़ाई का कलर ऐसा हो गया है। तो इसमें मैंने सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डाला, देन मैंने हींग डाला, उसके बाद ये अनियन एंड टोमेटो का पेस्ट डाला है। और हाँ, और मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जब मैंने इसमें तेल डाला था ना तो सबसे पहले मैंने इसमें हींग डाला था, देन कश्मीरी जो लाल मिर्च पाउडर आता है वो डाला कलर के लिए एंड हल्दी भी डाला। तेल में आप डायरेक्ट हल्दी डालो ना तो उससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अनियन और टमाटर की प्यूरी डाली है। उसके बाद इसको 2 मिनट मैंने चलाया है। अब इसमें जो हमने मसाले पीसे थे वो अब इसमें ट्रांसफ़र कर देनी है। अब इसको तब तक पकाना है इस मसाले को जब तक ये इससे मतलब तेल अलग ना हो जाए। कोफ्ते में मैंने यहाँ पे पानी लगा दिया है। पानी आपकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी कम ही रखनी है क्योंकि कोफ्ता जो है ना वो उसकी जो ग्रेवी है वो थिक होनी चाहिए, पूरी पानी पानी जैसी नहीं होनी चाहिए। मोमेंट में इसमें सॉल्ट ऐड करनी है। सारे कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए हैं एंड मेक श्योर कि गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही आप कोफ्ते को ऐड करिए कढ़ी में, वरना वो जो है फट भी सकते हैं। तो अब मैं जो हूँ इसके ऊपर से गार्निश कर दूँगी मलाई से, फ्रेश क्रीम है ये रहे। आप इसको मिला सकते हैं या फिर जब सर्व कीजिएगा तब मिलाइएगा। एंड यहाँ पर राइस भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मुझे मतलब कि मैं रोटी में बिना आलू का खा सकती हूँ, पहले तो मैं रोटी में भी बिना आलू की सब्ज़ी की नहीं खाती थी लेकिन अब चलिए खा सकती हूँ। लेकिन चावल में तो मुझे आलू की सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए। आलू की सब्ज़ी मीन्स कि आलू का भुजिया या चोखा कुछ भी हो, लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए, बिना आलू का मैं चावल नहीं खा सकती। किस किस को ये हैबिट है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था लास्ट ब्लॉग में कि मेरी बनी को 4 बेबी हुए हैं, तो उसके रैबिट लोग का क्या होता है ना, जब उनको फील होता है कि उनको बेबी होने वाला है तो वो लोग नेस्टिंग करना चालू कर देते हैं। इट मीन्स कि कपड़ा इकट्ठा कर लेंगे किसी कोने में, अपना बाल नोचेंगे, जैसा कि ये बाल नोच नोच के मुंह में भर रही है एंड जहाँ पे इसने नेस्टिंग किया है मतलब जहाँ पे ये घोंसला टाइप बनाई है वहाँ पे सारा बाल बिछा देगी। तो ये तो हो गया उसका बात, बनी का बात। एंड यहाँ पर हस्बैंड जी को चिकन खाने का बड़ा मन था तो वो चिकन बनाए थे एंड रोटी। एंड यहाँ पर देखिए मेरी बनी ने 4 बेबीज़ दिए हैं और अभी इनका कलर कितना पिंक टाइप का है ना, और ये फ़िलहाल का है, ये वीडियो बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, 14 डेज़ में इनका आँख खुल जाएगा। तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है मेरे वीडियोस में एंड ये वीडियो भी जो है, ये ब्लॉग भी जो है, ये भी एक तरह से मान लीजिए खिचड़ी ही ब्लॉग है। एंड अभी बज रहे हैं, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के आई थिंक 12 बज रहे होंगे। मैं स्कूल से आ गई हूँ एंड बीच में तो मौसम 10-15 दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी जो है ना मौसम इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। वैसे परसों रात में गजब वाली आंधी आई थी लेकिन अभी फिर वापस से गर्मी हो गई है। मेरा फेस देख सकते हो, मैंने फेस वॉश नहीं किया है। नेल पेंट तो मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं लगाऊँगी, मुझे इस तरह के नेल्स अपने बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रॉपर जब फिंगर मतलब नेल्स में नेल पेंट लगे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आज तो मुझे एनी हाउ लगाना है। एंड हाँ, वट सावित्री 19th of May को है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मैंने तो एक सप्ताह पहले ही साड़ी जो है सिल्क साड़ी में पहनने वाली वट सावित्री में, एंड वो साड़ी भी मुझे किसी से गिफ्ट ही मिला था। मतलब वट सावित्री हो गया, तीज हो गया, इसमें मतलब कि मेरी मतलब मैं ऐसा देखी हूँ कोई ना कोई मैं न्यू साड़ी किसी
के द्वारा गिफ्ट किया हुआ मेरे पास रखा ही रहता है। तो ये वाली भी साड़ी एक किसी ने मुझे गिफ्ट की थी। किसने गिफ्ट की थी और कौन सी साड़ी है ये आपको उसी दिन पता चलेगा। तो सिल्क साड़ी है, तो वो मैंने फॉल पीको के लिए दे दिया है और मैंने थ्रेडिंग भी करवा दिया है। लगभग मैं 1.5 महीने के बाद मैंने थ्रेडिंग करवाया था। घर में काम चल रहा था, टाइम नहीं मिला, वरना मैं डिसाइड की हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपने आईब्रो जो है उसको थ्रेडिंग करवाते रहूँगी। एंड मुझे वैक्स भी करनी है, 2 डब्बा वैक्स ब्रांड ने भेजा है वो रखा हुआ है ऑलरेडी, बड़ा बड़ा डब्बा। तो एक डब्बे से मैंने एक बार यूज़ किया था, सिर्फ मैंने डेमो के लिए यूज़ किया था, वीडियो बनाने के लिए। पर्सनली अपने प्रॉपर तरीके से हैंड पे यूज़ नहीं किया। तो व्हाट सावित्री के पहले मुझे अपने दोनों हैंड्स को भी वैक्स करना है, ये मेरा टारगेट है। इससे मुझे हस्बैंड जी की हेल्प चाहिए। और बैंगल्स मेरे पास हैं ही, चूड़ा मैं रेड चूड़ा ही पहनूंगी क्योंकि मुझे रेड जो होता है ना ट्रेडिशनल कलर होता है बहुत अच्छा लगता है। किसी भी कलर की साड़ी, किसी भी कलर की साड़ी पर आप पहन लो रेड चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो रेड साड़ी नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं रेड चूड़ा पहनने वाली हूँ। एंड अधिकतर गोल्ड ज्वेलरी तो यहाँ पर मेरे पास नहीं है। अगर मैं कटिहार में वट सावित्री कर रही होती तो मैं गोल्ड ज्वेलरी वेयर करती, जैसे कि हाथ के कंगन वगैरह ये सब, दुल्हन पायल जो होता है वो भी यहाँ पर मेरे पास नहीं है। तो आर्टिफिशियल में ही मैं देखती हूँ। पायल वैसे है मेरे पास, छन वाला पायल है, लेकिन दुल्हन पायल जो है मेरा इतना चौड़ा वाला वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, बैंक में है, लॉकर में। तो यही एक दिक्कत है। बाकी मेकअप विकअप सामान तो है ही, मैंने हस्बैंड जी ने लिपस्टिक भी मेरे लिए 2 ऑर्डर किया था, वो भी आप लोगों ने देखा ही है। यही है। एंड काम के चक्कर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हस्बैंड जी 1 मंथ से ऊपर हो गया उनके चैनल पर एक भी उनका वीडियो नहीं गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतना दिन वो वीडियो नहीं बनाए। एंड फर्स्ट टाइम ये भी हुआ कि मैं उनको बोल रही थी कि वीडियो बनाओ। इसका एक और रीज़न था क्योंकि उनके चैनल पे कम व्यूज़ में ही अच्छे खासे डॉलर बनते हैं, जिसकी वजह से पर मंथ उनका जो है यूट्यूब से पेमेंट आ जाता है। बट इस मंथ मुझे डाउट लग रहा था कि उनका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने 1 मंथ से ऊपर कोई वीडियो ही नहीं डाला था। बट लकली टचवुड कि बिना वीडियो डाले भी उनका रेवेन्यू बना और पेमेंट आ जाएगा। एंड फाइनली कल उन्होंने अपना एक वीडियो बना के अपलोड भी कर दिया है, क्योंकि हस्बैंड जी को यूट्यूब पे आने के लिए मैंने ही मोटिवेट किया था। और मुझे देख करके बहुत कोई इंस्पायर होगा, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, फ्रेंड्स से हो रिलेटेड, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो मेरा काम देख करके यूट्यूब चैनल ओपन किए। बहुत कोई उसको अभी तक रन भी कर रहे हैं, बहुत कोई बीच में उसको छोड़ भी चुके हैं, बहुत कोई फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं बेसिकली यूट्यूब छोड़ दिए हैं। और पर एक बात तो मैं मज़े की बात बताऊँ, जितने भी लोग मुझसे इंस्पायर हो गया मेरा काम देख करके, मुझे देख करके अपना चैनल खोले यूट्यूब में, उसमें से मात्र हस्बैंड जी का चैनल ही मोनेटाइज हो सका है और किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं हो सका है। ये एक वियर्ड वाली बात है, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड हैं पूरा अपना यूट्यूब को लेकर के, इसलिए इनका चैनल जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है एंड मतलब कि रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है टचवुड। तो यही मुझे बताना था कि उनके चैनल पे अब आपको रेगुलर जो है वो वीडियोस देखने को मिलेंगी। एंड घर में आज मैंने जो आपको दिखाया था कि मैं डेकोरेशन का कुछ सामान ऑनलाइन मंगाई थी, तो एक तो यहाँ लग चुका है, ये देखिए एक ये वाला बेडरूम में लगा है, जस्ट बेड के ऊपर लगा है, और एक हॉल में हमने लगाया। ये तो छोटा वाला वॉल शेल्फ है, हमारे जो हॉल में है वहाँ पे लार्ज वाला वॉल शेल्फ है। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब उस रूम में जाऊंगी, फिलहाल तो मैं यहाँ हूँ, वीडियो एडिटिंग करने बैठ रही थी, सोचा कि वीडियो प्रॉपर तरीके से मैं एंड नहीं कर पाई हूँ, तो एक फेस टू फेस वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और एंड कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, अब से मेरे भी वीडियोज़ होप्स हो आपको ज़रूर रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।